आज निफ्टी 50 निफ्टी बैंक दोनों सुर में सुर मिलाकर काम कर रहे थे और मिलके एक ही गाना गा रहे थे, कौन सा? हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हे तुम 24 को मैं 55 को जी काट के एक इतिहास बनाएंगे। यानी दोनों लगे हुए हैं, निफ्टी 50 24,000 को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी बैंक 55,000 को ट्रैक कर रहा है, दोनों साथी मिलकर जोर लगा रहे हैं और लगता है कुछ बड़ा धमाका करेंगे। आपको क्या लगता है इस एक्सपायरी पे डार्लिंग, कौन सी वाली जून की, कौन इतिहास पहले बनाएगा, निफ्टी बैंक 55,000 का या निफ्टी 50 24,000 का, या दोनों बस छूते छूते रह जाएंगे, जुलाई में देखेंगे। फटाफट कमेंट लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? छट गई जी, छट गई, बाजार की दुविधा छट गई। हालांकि अभी बाजार में खेल खत्म नहीं हुआ है, दो दिन बचे हैं इस एक्सपायरी के। पिछले हफ्ते आपने देखा था निफ्टी बैंक को भगाया और अगले दिन निफ्टी 50 को मारा, अब यही कल देखने को मिल सकता है। आज वैसे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ने दोनों ने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार में तमाशा जारी है, बाजार में उछल कूद जारी है, बाजार बहुत आपको कंफ्यूज कर देगा, इस तरह का बाजार में माहौल बना हुआ है। 24,000 का लेवल ऐसा लगता है बस पास है, हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया, पर ये जो पास की दूरी है, मतलब पास तो है पर बीच में जो दूरी है वो बड़ी खतरनाक है। हालांकि निफ्टी 24,000 को देख के एक ही गाना गा रहा है, दूरी ना रहे कोई आजित ने करीब आओ मैं 24,000 को खा जाऊं। तो भैया 24,000 को खा जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन ये दो दिन बड़े दिक्कत क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है बाजार क्या इन दो दिनों में 24,000 काट पाएगा? बहुत सारे कॉल बायर्स बैठे हैं 24,000 के, जिनमें से एक मैं भी हूँ। हालांकि 25,000 की कॉल बाइंग बहुत ज़बरदस्त थी, पर इलेक्शन पे कुछ आया नहीं, जिसके चलते वो सारी एक्सपायर हो जाएगी। थोड़ी सी 24,000 की हैं वो भी एक्सपायर होती नज़र आ रही है, अनलेस कोई करिश्मा हो जाए अगले तीन दिनों। फिर मैंने 23,000 की पुट बाई कर ली कुछ, मैंने कहा 24 दिन तो 23,000 की पुट ही इन द मनी हो जाए, वो भी आउट होती नज़र आ रही है। तो यही यार बाजार का, कितने बाजार की कहानी है, घर घर की कहानी कहते हैं, ये बाजार की कहानी। बाजार इसी तरह से आदमी को धोखे और लूटता रहता है। हालांकि ओवरऑल देखो, निफ्टी में तो मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए काम करता हूँ, अदरवाइज़ मेरे को तो शेयर्स वाइज ही सब कुछ पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और कहते हैं ना डिफ़िकल्टी में काम करने का मज़ा जो है वो जानी किसी और चीज़ में नहीं। मूड माहौल सारा ठीक है, लेकिन आज मैं कुछ देर पहले जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देख रहा था, थोड़ा भौचक्का रह गया, भाई ये क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार मुझे उम्मीद के परे नज़र आए, अभी देख लेते हैं कुछ पोजिशनों में परिवर्तन है, ये वहीं के वहीं इंटैक्ट है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर मैं बात करूँ ना एशियाई बाज़ारों की, एशियाई बाज़ारों में तो आज बढ़िया माहौल रहा। चाइना और साउथ अफ्रीका एक अपवाद थे जो लाल में बंद हुए, हांगकांग फ्लैट ही बंद हुआ, हालांकि हल्का सा लाल था, अदरवाइज़ आपका जापान और ऑस्ट्रेलिया फुल तेज़ी के साथ 1 से 1.5% की तेज़ी के बीच, कॉस्पी भी 0.36% तेज़ी के साथ बंद हुआ। लेकिन जब मैं यूरोप गया तो मन उदास सा हो गया, अरे वहाँ तो बड़ी भारी गिरावट है,
आठों के आठों बाजार गिरे हुए हैं, मतलब आज रशिया भी गिरा हुआ है। और गिरावट भाई साहब 1% जितनी है, सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी स्टॉकहोम में 1.35% की, जर्मनी में 1.02% की, और बाकी सब भी ऊपर 1% की यात्रा करके थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। यानी यूरोप में आज कोई भी खुशी का माहौल नहीं है। अब अगर मैं यूएस की तरफ जाता हूँ तो वहाँ भी चिंता गहन नज़र आ रही है, जहाँ एक तरफ कैनेडा और ब्राज़ील 4.5% से ज़्यादा गिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूएस के 4 इंडाइसेस में से 2 लाल है 2 हरे, 0.5% के लपेटे में हरेली और लालियाली घूम रही है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संकेत अभी तक तो बढ़िया नहीं है, अब सुबह तक क्या हो जाए वो सुबह तक ही पता चलेगा। अब अगर मैं बात करूँ भारतीय बाज़ारों में, तो भारतीय बाज़ारों में तो देखो आज खुली मन को खुश कर देने वाली हरियाली देखने को मिली। देखिए आप, ये होती है कैंडल, जो पैसे मरी मरी सी कैंडलें बन रही थी ना, वो मज़ा नहीं आ रहा था। इस कैंडल ने थोड़ा डराया और इस कैंडल ने डर को दूर भगाया, क्या डायलॉग है। इसने डराया, इसने डर को दूर भगाया। और आज खास बात पता क्या है, दो नॉर्मली क्या होता, बाजार लाइफ टाइम हाई बनाता था पर क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पे नहीं देता था, लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग देता था तो लाइफ टाइम हाई नहीं बनाता था। लेकिन आज निफ्टी 50 ने नया इतिहास रचा, कहते हैं जब हम दोनों मिल जाएंगे, क्या जब हम तुम एक नया इतिहास रचाएंगे। आज निफ्टी 50 ने नया इतिहास रचा दिया, क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई और लाइफ टाइम हाई दोनों ही उसने आज रच दिए। और कैंडल बहुत स्ट्रांग हरी बनी है, कल वाली भी हरी थी आज भी हरी थी, आज हरी हरी कैंडलें देख के कितने दिनों का हरी कैंडलें अच्छी दिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन के बाद कल और आज जो हरी कैंडल दिखी है, कहते ना हरा ही हरा नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक गलत कहावत भी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, कहते तेजी के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, ऐसा ना हो जाएगी। बाकी यार देखो मजबूत तो है भाई, और अगर 24 से काट दे तो कहने ही क्या, बाकी देखते हैं। अब आज तो चार्ट को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारे इंडिकेटर पॉजिटिव है, चाहे वो कैंडल अपने आप में हो, बोलिंजर बैंड हो, मूविंग एवरेज हो, MACD चार्ट हो, RSI चार्ट हो, सब मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं, सब मिलके कह रहे हैं अब तू 24,000 के पार। पर देखते हैं बाजार 24,000 के पार कब जाता है। अब देखो आज एक बात अजीब सी हुई, मार्केट मूड गिरा है, समझ नहीं आई बात, मार्केट मूड इंडेक्स गिरा है और वो 65 के नीचे आ गया, जबकि मुझे लग रहा था जिस तरह से तेजी है उसको बढ़ना चाहिए, पता नहीं किन फैक्टर्स के बेसिस पे ये निकलता है। थोड़ा मार्केट मूड का मुझे भी समझ नहीं आता ठीक है या गलत है, टिकट टेप से लिया होता है मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ। अब तो ये बढ़ा है, US डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल घटा, ये नेगेटिव यूँ है कि 80 से काफ़ी ऊपर है, रुपया भी लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है और ये थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है, तो ये स्टेबल सही है पर ओवरऑल ठीक ही है ये, इसको हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। 10-year ट्रेजरी है, आज FIs ने कमाल किया, सारे सेगमेंट में खरीदारी, 1175 करोड़ की कैश सेगमेंट में, 2700 करोड़ के लपेटे में इंडेक्स फ्यूचर्स, 1100 से ऊपर की स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी और लगभग 5000 करोड़ की नेट खरीदारी है। DI को पता नहीं क्या हुआ, 150 करोड़ का माल बेच दिया, उसके बाद भी 1026 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी आई है, तो मूड माहौल तो बाजार का काफ़ी सही है। अब ये जो है ना काफ़ी हाई हो गया, वैसे तो 80 तक चला जाता लेकिन अभी हाई तो बन गया है, अब यहाँ से करेक्ट होगा नहीं होगा, मुझे तो 2024 का सबसे हाईएस्ट लेवल लग रहा है, मतलब इंडेक्स लॉन्ग इस वक्त 2024 की सबसे हाई लेवल पे है, और 2023 में इससे ज़्यादा देखने को मिली थी 6 जुलाई को, वो जुलाई के नज़दीक हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स भी फिर भी रीजनेबल लेवल पे हैं, हाईएस्ट लेवल पे तो नहीं है। आज मज़े की बात ये थी कि स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट देखने को मिली, निफ्टी मिड कैप 100 में देखने को मिली, निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखने को मिली, बाकी सब हरे थे और निफ्टी बैंक तो मस्ती करा रहा था, और निफ्टी 50 भी लगभग 0.25% बढ़कर बंद हुआ, निफ्टी 100, निफ्टी 20, 200, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 50 और स्मॉल कैप 100 भी हरियाली में बंद हुए, और थोड़ा सा इंडिया विक्स भी बढ़ गया।
आज एक अजीब बात देखने को मिली, जितनी बाजार में तेजी थी ना, जैसे इंडेक्स में निफ्टी 50 और निफ्टी 50, उतना पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं था, ये बात पक्की है। तो कल हो सकता पोर्टफोलियो भागे। आज जो नया इतिहास चाह रहे थे वो थे LIC हाउसिंग, खूब तेज थे, अपोलो टायर, श्रीराम फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, फुल टॉस गर्मी में थे। गिरने वालों में सबसे आगे यूनाइटेड ब्रूवरीज, ओबेरॉय रियल्टी, रियल्टी और नवीन फ्लोरिन और BPCL, ये सब बैंड बजवा रहे थे। अब निफ्टी 50 की बात करूँ तो 26 शेयर बढ़े हुए थे, 23 शेयर घटे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बैलेंस था। भले इंडेक्स तेज था पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बैलेंस था। तो वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, बहुत भयंकर तेजी है। 23,537 पे बंद हुआ था, हल्की गैप अप ओपनिंग लगभग 40 पॉइंट की थी, फिर गिरकर 23,562 पे पहुंचा बाजार, फिर वहीं थोड़ा घूमता रहा, फिर एकदम पकड़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर तेज़ी से बढ़ा और फिर हल्का सा गिरा, पीक बनाया लास्ट के क्षणों में करीबन 23,754 का, ये लाइफ टाइम हाई था, और फिर 23,721 ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग थी, 183% बढ़कर, 183 पॉइंट बढ़कर 0.78% की तेज़ी के साथ एक नया इतिहास रचा डाला निफ्टी 50 ने। भाग रहा था श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, लार्सन। यानी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस के शेयरों का मुख्य योगदान था निफ्टी 50 को भगाने में। रिलायंस ढीला ढाला सा चल रहा था आज, BPCL, जब रिलायंस भागेगा तो सोचिए निफ्टी 50 कहाँ जाएगा। आइशर मोटर्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ये बाजार को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, ONGC, कोल इंडिया, इन्होंने बाजार को शर्मसार करने की कोशिश की। इसकी चर्चा कर ली है, अब ऑप्शन चेन एनालिसिस। कल परसों आखिरी दिन है इसका, कल निफ्टी बैंक का है, परसों निफ्टी 50 का है। 23,000 के लेवल पर आप देखेंगे हल्की पुट राइटिंग कम हुई है, 24,000 पे कॉल रेटिंग कम हुई है, 23,500 पे भी कॉल रेटिंग कम हुई है, यानी कॉल राइटर्स डर रहे हैं इस वक्त। पुट राइटिंग बढ़ी है 23,500 पे, पुट राइटिंग बढ़ी है 24,000, यानी 24,000 की चौकी पे थोड़ा सा हड़कंप, जिसको बोलते हैं वर्ड है, हड़कंप मचा है कॉल राइटर्स में, वो डरे हैं और जाके उन्होंने हर लेवल पर अपनी पोजिशन काट ली। कॉल रेटिंग देखिए हर लेवल पर कम हुई है, क्या हो गए, कॉल रेटर्स डर गए। देखिए PCR 1.33 हो गया, यानी पुट राइटिंग दबा के हुई है, पुट राइटर्स की फौजें आगे बढ़ बढ़ के कॉल राइटर्स की फौजों को काट रही है इस वक्त। ऑप्शन चेन एनालिसिस तो यही कह रहा है, PCR भी यही कह रहा है। 9 शेयर निफ्टी बैंक के बढ़े हुए थे, 3 गिरे हुए थे। निफ्टी बैंक में तहलका मचाने में सबसे ज़्यादा योगदान HDFC बैंक का है, कहते हैं सोता शेर जाग गया है। कल बंद हुआ था 21,703 पर, हल्की गैप अप ओपनिंग, हल्की, ज़्यादा नहीं, 51 पॉइंट का बॉटम बनाया 41,747 का, थोड़ी देर घूमा चढ़ा, घूमा पर चढ़ा, फिर पीक बनाया 52,746 का। आज निफ्टी 50 निफ्टी बैंक दोनों मिलकर गाना गा रहे थे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हे हे हे। तो भैया जो पीछे था, कभी निफ्टी बैंक इतिहास बना रहा था निफ्टी 50 पीछे था, कभी निफ्टी 50 इतिहास बना रहा था निफ्टी बैंक पीछे था, आज दोनों भाई मिल गए हैं और दोनों ने मिल के इतिहास रचा है और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग भी दी है। 902 पॉइंट चढ़कर 0.2% की तेज़ी के साथ निफ्टी 50 ने कमाल का इतिहास रचा निफ्टी बैंक में। ये देखिए आप, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, लाइफ टाइम हाई, कैंडल देखिए, कैंडल नहीं से आज कहेंगे छोटा मोटा कैंडल आई है। अच्छा, भाग रहा था सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, दिग्गज बैंक आगे थे, SBI, कोटक, AU स्मॉल फाइनेंस, एक ये बंधन बैंक था, कुछ हो जाए ये नालायक चल नहीं पा रहा है। ये बंधन इसका नाम जरूर है पर ये बिल्कुल ही कच्चा बन गया है। PNB और IDFC फर्स्ट, ये लालियाली में थे, बाकी सब हरियाली में थे। इंडसइंड बैंक तो लंगड़ा घोड़ा है, 2 दिन चलता है फिर गिर जाता है, इसके टांगों में जान नहीं है, इसकी टांगों में कहते ना कैल्शियम के डोज लगाने पड़ेंगे तब जाके ये दौड़ेगा। अब ये तो बहुत बढ़िया है, कैंडलस्टिक चार्ट ज़बरदस्त है डार्लिंग, ज़बरदस्त है, सारे इंडिकेटर्स बहुत बढ़िया है, MACD बढ़िया है, RSI बढ़िया है। RSI तो कह रहा है मैं अबकी बार 80 के पार, देखो होता है कि नहीं। अच्छा,
ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आ जाइए, 52,606 पे बंद हुआ, 52,500 पकड़िए, पुट राइट कॉल राइटर्स घबरा गए, पुट राइटर्स की फौजें आगे आ गई, 53,000 कॉल राइटर्स हल्के से घबराए, पुट राइटर्स की फौजें आगे आ गई, ये पुट राइटर्स की फौजें आगे बढ़ बढ़ के कॉल राइटर्स की फौजों को काट रही है और रौंद रही है। अब देखते हैं आखिर क्या होता है। पीसीआर में ज़बरदस्त इजाफा, याद नहीं निफ्टी बैंक को कब 1.61 के लेवल पर देखा था। जो हो रहा है अच्छा है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से सारे मामले निपटा दिए, अब तो बस इंतज़ार है एक्सपायरी हो जाए, मुनाफा बढ़िया हो जाए तो मज़ा आ जाए। अब क्या है कहानी कि आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 1,20,000 के लपेटे का प्रॉफिट कमाया। कल लॉस किया था, कितना किया था कल लॉस? 235 का, और आज 119 का प्रॉफिट है, तो यानी 1,20 के आसपास का लॉस हो गया। बाकी देखते हैं, एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी बनाई, एक फ्यूचर बाय किया, दो ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, एक फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, एक स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किया, 4 अग्रेसिव पुट बेची, 9 सेफ पुटें बेची और 4 बार नए शेयरों में खरीदारी करी। प्रॉफिट बुकिंग किस में करी? PVR INOX, साला ये इसने बड़ा धोखा दिया है, फ्यूचर प्रॉफिट में आया आज, मैं तो निकल गया 7,500 कमा के। टाटा कम्युनिकेशन की पुट्टे 2 लॉट थे, इसका लॉस बुक किया और इसमें एक काउंटर स्ट्रैटेजी बना के अच्छी पोजीशन बना ली। इसके 100 शेयर बेचे, इसने भी आज इतिहास रच दिया। बैट एक्साइड और अमराजा दोनों मिलके वही गाना गा रहे हैं आजकल, तो ये वाला गाना बड़ा चल रहा है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक बड़ा इतिहास में बनाएंगे। तो भाई बड़ा और नया दोनों इतिहास बन रहे हैं। 3,700 शेयर पड़ रहे हैं बचे हैं मेरे पास, और एक शेयर में लगभग 1,000 का प्रॉफिट है, यानी अब गेस कर लीजिए इसमें कितना प्रॉफिट टोटल बनता है। उसमें से मैंने 100 शेयर का प्रॉफिट आज बुक किया है, 98,000 के आसपास का प्रॉफिट है। इन्फोसिस के मैंने 5 लॉट स्क्योर ऑफ कर डाले, क्योंकि कहीं तो प्रॉफिट कमाना था, 20,500 के लपेटे में कमाया। तो बस यही थे आज की कहानियाँ, थोड़े बहुत सौदे, नई पोजीशन बनाई है, अब तो बस इंतज़ार है एक्सपायरी का, उस एक्सपायरी का जिसमें मैं भी अपना लाइफ टाइम का नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, नई ऊंचाइयों को छूंगा, आपकी शुभकामनाओं से और मेरे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उन क्या कहना चाहिए यार, उनकी दया से। अब बाकी देखते हैं, 2 दिन बचे, प्रभु का कितना प्यार आने वाले 2 दिन में बरसता है। तो ये थी सारी आज की कहानी। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी वीडियोस के द्वारा, अपने डेमोस के द्वारा, आपको देखा होगा एजुकेशनल मेरी वीडियोस होती हैं जिसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस कर अपना उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट सिखाता हूं। मैं कोई टिप नहीं देता, कोई मेरे से पूछ भी लेता हूं तो कहता हूं भाई अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करिए, और सीखते वक्त अवॉइड ही करिए ज़्यादा अच्छा, पहले सीखिए, जब रिस्क एपेटाइट स्ट्रांग हो जाए तभी ट्रेड करिए। तो आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहे व्हाट्सएप के, तो 70 11 373 077 मेरी टीम को कॉल करिए, 70 11 323 077, या YouTube मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनें।